हाय गाइस, ए टू जेड कार टेक के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल फॉल्ट्स आ रहे हैं। और ये है मारुति सुजुकी की बलेनो, और इसमें जो फॉल्ट आ रही है फ्रेंड्स, आपको पहले दिखा देता हूँ, मल्टीपल फॉल्ट्स हैं इसमें। और पहले इग्निशन ऑन करते हैं। देखिए, इग्निशन ऑन करने के बाद इसमें चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, और इमोबिलाइज़र की लाइट नहीं आ रही है, और बैटरी लाइट और अपना इंजन ऑयल लाइट भी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसका फ्यूज़ रिले जितने भी हैं वो सब पहले ही चेक कर चुका हूँ, फ्यूज़ भी ठीक है, रिले भी ठीक है, फ्यूज़ भी नहीं कटा हुआ है। और जो भी हो, मतलब एक साथ तो इतने सारे मेलफंक्शन लाइट शट ऑफ नहीं होना चाहिए। और देखते हैं, इसको डायग्नोसिस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और जितना भी कवर्स हैं, गियर कॉन्सोल है, पीछे की सीट सब खोल चुके हैं, मीटर भी खुला हुआ है, आपको पहले दिखा दिया हूँ। और लेफ़्ट साइड पैसेंजर साइड के साइड में नीचे कवर्स खोल लिए हैं, तो एक एक करके सब ट्रेस करेंगे। और एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, इसका जो DLC कपलर है, इसके अंदर जो 16 नंबर पिन पे 12 वोल्ट आना चाहिए पॉजिटिव, वो भी नहीं आ रहा है। और कैन हाई और लो का भी कनेक्शन नहीं है, इसीलिए स्कैनर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। MIL लाइट नहीं आ रहा है, मतलब चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है, तो स्कैनर कनेक्ट भी नहीं होगा। तो देखते हैं, मुझे लगता है कहीं पर कुछ वायरिंग कटा हुआ है, और नहीं तो इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसका वायरिंग कहीं से पंच हो गया होगा। देखेंगे एक एक करके। इसकी की असेंबली भी खोल चुके हैं, इमोबिलाइज़र की लाइट नहीं आ रही थी, इसको भी चेक करेंगे, इसके वायरिंग। और फॉल्ट आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, इंजन ऑयल, बैटरी और इमोबिलाइज़र की लाइट भी नहीं आ रही है, DLC कपलर पे 12 वोल्ट पॉजिटिव, कैन हाई कैन लो 16 और इन पे वो भी नहीं आ रही है। और इमोबिलाइज़र का लाइन चेक करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहले आउटर साइड गाड़ी का इंजन साइड चेक करेंगे, उसके बाद इनर साइड चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंजन साइड आ चुके हैं, और ECM खोल के चेकिंग के लिए भेज दिए हैं। ECM का जो दो कपलर्स है उसको भी, उसका वायरिंग चेक कर लेंगे, कैन हाई कैन लो, और DLC कपलर पे जो 12 वोल्ट जाता है उसका भी वायर चेक कर लेंगे। तो ये वायरिंग हार्डनेस के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ है उसको पहले काट के क्लियर कर लेंगे, वायर निकालेंगे बाहर। और ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये दो वायर, ये कैन हाई और कैन लो का है, जो बाईपास करके कनेक्शन किए थे हम लोग, तो उससे भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, ECM कनेक्ट नहीं हो रहा है गाड़ी के साथ, अपने स्कैनर के साथ ECM कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखेंगे इसका वायरिंग हार्नेस पहले क्लियर कर लेते हैं काट के, उसके बाद हर एक वायर चेक करेंगे एक एक करके। और पहले आउटर साइड चेक कर लेंगे पूरा, फ्यूज़ बॉक्स वायरिंग और अपना वायरिंग हार्नेस ECM का, वो भी चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये कवर इसके ऊपर ऐसा रहता है, और एक टाई क्लिप लगा रहे थे, उसको काटने से कवर निकल जाएगा। तो बाहर चेक कर लेते हैं एक बार, और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद इनर साइड जाएंगे, गाड़ी के अंदर का वायरिंग चेक करेंगे। तो इनर साइड आ चुके हैं अंदर की तरफ, ये कवर सब खुला हुआ है, और लेफ्ट साइड ब्लोअर के पास आप ये देख सकते हैं BCM है, और कुछ कपलर्स लगे हुए हैं वायरिंग के, और 4 लॉक है। और ये जो फ्यूज़ और रिले आपको दिख रहा है वो सब चेक कर चुका हूँ पहले ही, सब ठीक है। और ये रही इसके कपलर, और ये है BCM, और ये कुछ लॉक है, देखिए 1, 2, 3, 4 लॉक है, ये लॉक खोलने से BCM निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, BCM चेक कर चुका हूँ, BCM ठीक है, और इसका फॉल्ट दिख चुका है। देखिए, पीछे जो प्रोटेक्टिव कारपेट लगा हुआ है, जिसके अंदर से मेन वायरिंग जा रही है इंजन साइड, वहीं पर कुछ वायर कटा दिखा है मेरे को, देखिए। एक मिनट जूम, एक मिनट क्लियर थोड़ा कर लेता हूँ, जूम करता हूँ, फोकस का प्रॉब्लम है थोड़ा। देखिए, यहाँ पर कुछ वायर्स कटे हुए हैं, तो ये जो वायरिंग हार्नेस है उसको पूरा खोलेंगे निकाल के, और जितने भी वायर्स कटे हुए हैं, देखिए एक मिनट, अब शायद दिख रहा होगा आपको, देखिए ये सब वायर्स कटे हुए हैं। तो इसका वायरिंग हार्नेस का प्रोटेक्टिव कवर जो है उसको काट के, जितने भी वायर्स कटे हुए हैं उसको रिपेयर करेंगे,
और रिपेयर करने के बाद देखेंगे कि फॉल्ट कहाँ तक क्लियर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, देखते रहिए वीडियो को पूरी तरह। तो जो मेन वायरिंग हार्नेस है उसको पूरा मतलब प्रोटेक्टिव कवर काट चुके हैं हम लोग, और हर एक वायर को ट्रेस कर रहे हैं, जितने भी वायर सब कटे हैं अंदर उसको जोड़ेंगे फिर से जोड़ के, और देखते हैं कितना क्लियर होता है। तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप व्यू तो दे रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और जोड़ने के बाद पूरा वायरिंग जितना भी कटा हुआ है उसको फिर से रिपेयर करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने भी वायर्स कटे हुए थे वहाँ पे सब जोड़ चुका हूँ, और जितने भी कवर्स खोले हुए थे सब फिट हो चुका है, और नीचे की साइड भी आपको दिखा देता हूँ। डीएलसी कपलर, एक मिनट, हाँ डीएलसी कपलर भी क्लियर है, जितने भी पॉजिटिव्स आने चाहिए वो आ रहे हैं, कैन हाई लो कनेक्शन ठीक है, और गियर काउंसिल पीछे का सीट सब फिटिंग्स हो चुका है। और आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ कि फॉल्ट कहाँ तक क्लियर हुआ है। देखिए इग्निशन ऑन हो चुकी है, चेक इंजन लाइट भी आ रही है, और इमोबिलाइजर लाइट तो आके चली गई, फिर से आपको दिखाऊंगा, एक मिनट। देखिए इमोबिलाइजर की लाइट भी ठीक है, और इंजन ऑयल और बैटरी की लाइट भी आ रही है, सब ठीक है। और इंजन को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंजन स्टार्ट है, RPM आप देख सकते हैं, और मैलफंक्शन इंडिकेशन लाइट भी ऑन नहीं है, मतलब सब ठीक है, चेक इंजन लाइट भी नहीं है, इंजन स्टार्ट है, नो स्टार्टिंग प्रॉब्लम, और फॉल्ट क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ठीक है, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।